हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? यस या नो? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? यस या नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट है ना, कि जो आप जो अपना जो सीरियस हो, डेफिनेटली जिस तरीके से सीसैट का पेपर जो टफ आया है, राइट है ना, टफ आया है, राइट। लोग कहते हैं टफ आया है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि पेपर टफ आया है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि टोटल 80 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 80 क्वेश्चंस हैं। और उस 80 क्वेश्चंस में से मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो है 28 ही क्वेश्चंस यूपीएससी कहती है भाई आपका अगर सही है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि सर 28 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कौन सा करूं जो मेरा सही हो? इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ने कहा था कि सर मैंने अराउंड 40-45-50 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा क्वालिफाई हुआ। तो इस ईयर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे हैं, राइट। तो मेरे प्यार जो मेंस लिखेंगे अभी, हालांकि वो सारे चीज़ डिसाइड नहीं हुआ है, बट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप मेरे क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप लाइव देखोगे, देखो एक साल अगले साल होगा, और जितनी देर की क्लासेस होती है कोशिश करें कि आपको हमेशा लाइव देखना है। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, राइट। ईपीएफओ के लिए मैं अलग से क्लास में लेके भी आ रहा हूँ, राइट। ईपीएफओ के लिए सभी लोग कनेक्टिविटी रखें, सभी लोग, राइट। वेरी गुड। मैं ऑडिबल एंड विजिबल, यस। सभी लोग सेशंस को लाइक करो, शेयर करो, तो आप सभी लोग उस चीज़ों को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं और अपने आप को फोकस बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो आप हमेशा लाइव देखें, रिकॉर्डर देखने के मजबूरी में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लाइव देखने पर आपको चीज़ें हमेशा डाउट्स क्लियर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का इस अनअकैडमी के हिंदी चैनल पर स्वागत है, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। इस बार वन आउट ऑफ एवरी थ्री सिलेक्शन यूपीएससी 2022 इज फ्रॉम अनअकैडमी, यानी तीन सिलेक्शन हुए हैं, उसमें से एक बच्चा, तीन में से एक बच्चा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज किया है, राइट। एंड जून एक्सटेंशन ऑफर है, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 4 महीने फ्री मिलता है, 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 मंथ फ्री मिलता है, 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 2 साल तक का फ्री मिलेगा एक्स्ट्रा, राइट। आप इस ऑफर को, आप 23 से आपका नेक्स्ट न्यू बैच स्टार्ट्स है, राइट है ना, तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड SKS10। इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभ्यर्थी से अधिकारी तक ऑन क्रैकिंग, राइट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, राइट, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ये एक मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, आरंभ बैच स्टार्ट्स हो चुके हैं, एक आपका लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम के लिए। कितने बच्चे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उसके लिए आरंभ बैच स्टार्ट्स हो चुका है, राइट है ना, जो हिंदी मीडियम के लिए उसके लिए लक्ष्य बैच, कौन सा बैच बोलो, लक्ष्य बैच ज्वाइन हो चुके हैं, ओके, यस, ओके। तो एक क्लियर माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, राइट। तो जिसका भी सपना है आईएएस बनने का, जिसका भी सपना है आईपीएस बनने का, तुम क्या बनोगे? आप क्या बनोगे? आईएएस? आईपीएस? चलो ठीक है, पायलट बनेगा, सॉरी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, ओके। हमारे घर में बच्चों की कोई कमी नहीं है, राइट। बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बनना पसंद करते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, राइट, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन द लास्ट क्लास, राइट है ना। सो दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज संजय कुमार सा। आराम से पढ़ो, नोटबुक बना लो, फोकस करो, राइट। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, राइट। बाकी ये सारे मेरे बारे में आप देख सकते हैं, राइट, ओके। चलिए ठीक है, शुरुआत करता हूँ, ओके। देखिए, आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में कहाँ तक बताया था, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सभी लोग, इज इट क्लियर? सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बताया था, क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए
चलिए, बहुत सारे बच्चे सीरियस हो चुके हैं। ओके, सभी लोग सेशंस को ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, राइट, आराम से इसी तरीके से बैठ के पढ़िए, राइट, फरफराना नहीं है, राइट। सी सैट को लेकर अब नहीं फरफराना है, सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको, कहीं और नहीं जाना है, आपको कहीं और नहीं जाना है मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। एक सेकंड थोड़ा सा और रुकिए। हाँ चलिए, ओके, चलो बस हो गया, कर रहे हैं शुरुआत, कर रहे हैं शुरुआत, ओके, चलिए। मैं एक बार आप सभी को, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, राइट, है ना, जो ये लेक्चर जो आपका जो नेक्स्ट है, राइट, है ना, इससे पिछला लेक्चर एक बार आप सभी लोग देख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से पूरे, मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, रेशनल और इरेशनल बहुत अच्छे तरीके से बताया था, राइट, है ना। और आज मुझे आपको पढ़ाना है इंटीजर, राइट, इंटीजर, इंटीजर की बोले तो पूर्णांक, राइट, इंटीजर, इंटीजर बोले तो मेरे प्यारे बच्चे पूर्णांक। देखिए, ये दो टाइप्स के इंटीजर होते हैं, राइट, इंटीजर को हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट, एक होता है आपका पूर्ण संख्या, राइट, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, राइट, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है भाई। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जिसकी शुरुआत एक से हो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे इन्फिनिटी, या नहीं तो आप गिनती के सभी संख्या, बचपन में आपने ये पढ़ा होगा, गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरुआत होती है? जब हम पैदा हुए, राइट, तो हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया बेटा, बोले वन, वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, राइट। लेकिन जब हम स्कूल में गए तो हमें मैडम लोगों ने क्या सिखाया, बेटा वन से नहीं होती, जीरो से होती है। क्या सिखाया बेटा? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे चलते जाओगे जब तक कि आपकी जवानी ख़त्म ना हो, तब तक नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आपका ख़त्म नहीं होगा। अब एक बात और आपको समझाता हूँ, देखो, मैं आप सभी से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, इसमें बस पूर्ण संख्या में स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और प्राकृत संख्या में ये, राइट, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्राकृत संख्या। एक और तरीके कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका ओनली पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है भाई। इस समय जिस प्रकार के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोई दूर नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है क्या प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक है, बोलोगे हाँ, क्या धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या है, हाँ, क्योंकि दोनों एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस, या समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब सुनो, पूर्ण संख्या नहीं, इसका मतलब इसमें आएगा, देखो क्या आएगा, इसमें आएगा जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जीरो प्लस पॉजिटिव, राइट, शून्य प्लस धनात्मक पूर्णांक, कितना लगा, ज़्यादा लगा है, थोड़ा सा लगा है ना, एक मिरर का क्या फट गया है और हैंडल हट गया है कार का ना, नीचे थोड़ा सा लग रहा हुआ है ना, हल्का सा, चलिए डियर मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया है, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, कल आपकी क्लास कल छोड़ के इस चैनल पे, बाकी परसों से मैं रेगुलर ही क्लास करूँगा, क्योंकि अभी ऐसे भी अब टाइम बहुत कम है, ठीक है, कल से मैं EPFO की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी क्लास की टाइमिंग चलती रहेगी। तो थोड़ा सा कल क्या हुआ कि होते नहीं है भाई, इतने सारे बाइक आ गया है ना मार्केट में, बाइक, स्कूटी, रोज नए नए लॉन्च हो रहे होते हैं, राइट,
तो मेरा जो स्कॉर्पियो है ना उसका थोड़ा सा जो आगे का जो शीशा होता है, जिसमें मिरर होता है, उसका कैप फट गया और एक और चीज़ हैंडल जो होता है वो हैंडल, और बस नीचे थोड़ा सा रग रहा है, हो सकता है, खैर कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा मूड ऑफ है आज थोड़ा सा, राइट। इसलिए सभी सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करिए। प्राकृत संख्या जो है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक प्राकृत संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या जीरो प्लस पॉजिटिव, राइट, शून्य प्लस पूर्णांक, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, राइट। देखिए पहला स्टेटमेंट मैं आपको फर्स्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? स्टेटमेंट सेकंड, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? इसमें बताओ, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, कौन सा यस है कौन सा नो है, या कौन, दोनों यस है दोनों नो है, क्या है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी लोग बताएं। हुआ, सोचो, देखिए, ठीक है, देखो इसका जो होगा सब लोग ध्यान से समझना, राइट है ना, ध्यान से समझना, राइट, ध्यान से समझना, ये क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत, देखो एक दो तीन चार, क्या ये एक दो तीन चार इसके अंदर आ रहा है? यस, राइट। लेकिन क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो से होता है और यहाँ से वन से होता है, क्या ये प्राकृत है? नहीं है। आंसर क्या होगा? नो, नो, इसका होगा हाँ, इसका होगा ना, नहीं, ठीक है। ये स्लाइट डिफरेंस था जो आपको जानने की ज़रूरत था, जो आपको जानना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से आपको फोकस थोड़ा बहुत करना चाहिए जिसके ऊपर जो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, राइट, ताकि आप इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स अपने मन में ना रखें, राइट, अपने मन में ना रखें, ठीक है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो ये क्या हो गया, हाँ, ओहो, ये वो चीज़ है, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए अच्छे तरीके से, राइट, अच्छे तरीके से फोकस कीजिए प्लीज, ठीक है। कंप्लीट सेशन, राइट, देखो जैसे कि मान लो ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या, इस प्राकृत संख्या को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपका वन है, एक आपका प्राइम नंबर है, प्राइम
नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या, राइट। देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर हो, केवल केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, राइट। कंपोजिट नंबर का दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, राइट। केवल दो ही गुणनखंड का मतलब है, इसका मतलब यह है कि किसी के पहाड़े में ना आए, किसी के पहाड़े में ना आए, इसका मतलब है कि जरूर किसी न किसी के पहाड़े में आएगा आएगा, किसी न किसी के पहाड़े में आएगा ही आएगा, किसी न किसी के पहाड़े में आएगा ही आएगा, आएगा ही, राइट राइट। ये ध्यान रखेगा, ये केवल दो ही गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड किसी न किसी के पहाड़े में ये आएगा ही आएगा, राइट। जैसे देखो इसका बताता हूँ, जैसे दो है तो दो का मतलब दो गुना एक, तीन का मतलब एक गुना तीन, राइट। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे या तो एक होंगे या तो वो खुद होंगे, राइट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको विवाहित जोड़ी भी कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ इसको विवाहित जोड़ी भी कहता हूँ। जिस प्रकार पति पति पत्नी के लिए कमिटेड होते हैं, पत्नी पति के लिए, उसी प्रकार एक दो के लिए, दो एक के लिए, तीन एक के लिए, एक तीन के लिए, जैसे पाँच है एक पाँच के लिए, पाँच एक के लिए, छः है छः नहीं होगा छः, देखो क्योंकि छः का देखो एक का भी एक के टेबल में भी आता है, दो में भी, तीन में भी, छः में भी, इसके दो से अधिक हो गया तो इसको हम कहेंगे आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। क्या कहेंगे? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, राइट। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको जैसा बता दिया वहीं पे करना, राइट। इसका सिक्स का मतलब ये नहीं होगा, इसका सिक्स का मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब सेवन होगा, एक गुना सेवन, राइट, एक गुना सेवन, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एट का मतलब एक दो चार आठ, राइट। फिर यहाँ पे नाइन इधर आएगा, टेन उधर, इलेवन इधर आएगा, एक इंटू इलेवन। मुझे लग रहा है आई थिंक प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे। मैं बार बार पिछले भी एक दो साल पहले का वीडियो देखो तो मैं बता चुका हूँ यूपीएससी को प्राइम नंबर से बहुत प्यार है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर बैठे हुए सभी मेंबर्स क्या हैं? विवाहित जोड़ी हैं, तो वो तो प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे ही, ओके राइट, क्योंकि कंपोजिट नंबर से नहीं पूछते, ओके। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, राइट। अपने आप को फोकस कीजिए, यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपको ले करके जाएगी, ओके। जिस तरीके से मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, इज इट क्लियर? यस या नो? इज इट क्लियर? यस या नो? पॉइंट सबको क्लियर है? सबको ये पॉइंट सारा क्लियर है, राइट। आप इस पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझते रहिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चलिए, अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते चलिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। वो मैं बता, एक थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर है, राइट। नेचुरल नंबर बोले तो मैं उसको 32 में पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। प्राकृत, सभी लोग सेशंस को लाइक करो और शेयर करो, राइट। देखो एक तो ये है आपका इवन नंबर, इवन नंबर बोले तो सम संख्या। एक है आपका ऑड नंबर, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या, राइट। देखो इवन नंबर का पहचान क्या है, राइट। व्हाट इज द नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर का पहचान है, इसको कैसे पहचानोगे, राइट, पूछो। इसका जो पहचान है, राइट हैंड, इसका जो पहचान है, एक सेकंड मेरे पैर बचे, देखिए पहचान है इसका, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, राइट। विषम संख्या का पहचान है इसका 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, राइट। इसका क्या है आपका 0, 2, 4, 6, 8, राइट। ये पहचान, पहचान का मतलब अंतिम अंक, राइट। ये है आपका, इसका अंतिम अंक देख के पहचानना है, राइट।
ये नहीं कि तुम पता चले तुम दो से डिवाइड कर रहे हो, राइट, वो वाला तरीका नहीं यहाँ पे यूज करना है। अंतिम अंक, राइट, अंतिम अंक। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखें, अच्छे तरीके से समझ के रखें, अच्छे तरीके से फोकस करें सभी लोग, राइट। चलो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, राइट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, राइट, डेट ऑफ बर्थ, किसका डेट ऑफ बर्थ इवन है, किसका डेट ऑफ बर्थ ऑड है, किसका डेट ऑफ बर्थ इवन है, किसका डेट ऑफ बर्थ ऑड है, ऑड है, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, फटाफट, कमॉन कमॉन, बताओ बताओ। ठीक है, चलिए मैं देख रहा हूँ। अब देखो भाई, जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर आप इसको समझो, राइट, है ना, आप इसको समझो। एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, राइट। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो या कोई भी, उसको जब आप जीरो से डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हो तो बताओ क्या होगा, या जीरो से, या जीरो में जब आप डिवाइड करते हो, या आप जीरो में जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तब क्या होता है, ये आपको हमें बताना, राइट। या जब आप जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तब है, देखो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, राइट, क्योंकि जीरो से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इसलिए जीरो आएगा। लेकिन जीरो से जब हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर इसका इनफाइनाइट होता है, राइट, आंसर इसका इनफाइनाइट होता है, राइट। इसलिए ये जो नंबर बाय जीरो जो है ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, राइट, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और जीरो बाय नंबर जीरो, राइट, ये जो है ये आपका, ये आपका परिमेय, ये आपका परिमेय संख्या होता है, राइट, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, राइट, ये आपका परिमेय संख्या होता है। इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ के रखिए, अच्छे तरीके से आप फोकस करिए, राइट, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, राइट, सबको समझ में आ रही है, क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, यस या नो, यस या नो, यस या नो, राइट। अब देखो, अब सम महत्वपूर्ण तथ्य, राइट, सम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथ्य अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहली संख्या, पहली संख्या दो एकमात्र, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, दो जो है एकमात्र अभाज्य संख्या। इस पॉइंट्स को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, राइट, दो, दो जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, राइट, दो जो है एकमात्र अभाज्य, सम अभाज्य, सम अभाज्य, सम दो ही, राइट, दो ही। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी बात ध्यान रखिएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशंस के लिए, राइट, 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 केवल केवल एक
सेट है, केवल एक ही सेट है, केवल एक ही सेट है प्राइम नंबर का, राइट राइट, केवल एक ही सेट है प्राइम नंबर का, केवल एक सेट है प्राइम नंबर का, राइट, क्या एन एन प्लस टू एन प्लस फोर, एन एन प्लस टू एन प्लस फोर, एन एन प्लस टू एन प्लस फोर, राइट। वो क्या है, वो आपका थ्री है, वो आपका फाइव है, वो आपका सेवन है, राइट। वो थ्री है, वो फाइव है, वो आपका सेवन है, ठीक है, सबको बात समझ रही। अगर कोई भी ऐसा प्राइम नंबर हो तो केवल और केवल इतने ही प्राइम नंबर होंगे जिस पॉइंट्स को आप समझ में रखिएगा और आप ध्यान में रखिएगा, राइट। एन एन प्लस टू इंटू एन प्लस फोर, थ्री फाइव सेवन, थ्री फाइव सेवन, राइट। तीसरी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, राइट, जो थर्ड पॉइंट है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। जिस तरीके से केवल और केवल इसका तीन पाँच सात, राइट, अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, राइट, ओके। देखो, सबसे पहली बात मेरे प्यारे, वैसे एक से लेकर के पचास तक अभाज्य संख्या पंद्रह, राइट, इक्यावन से लेकर के सौ तक अभाज्य संख्या दस, इक्यावन यानी एक से लेकर के पचास तक अगर अभाज्य संख्या को देखोगे तो टोटल पंद्रह ही संख्या है जो अभाज्य संख्या बनाती है, राइट, ओके। और फिफ्टी वन से लेकर के हंड्रेड तक अगर आप चेक करोगे, राइट, है ना, तो दस जो है अभाज्य संख्या बनेंगी, दस प्राइम नंबर बनेंगे, राइट, दस प्राइम बनेंगे, राइट। इस प्रकार अगर आपको कहीं कहीं आपके एग्जाम में एक से लेकर के सौ तक पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक पूछा जाता है, एक से लेकर के सौ तक, तो आप बड़े ही प्यार से बता दोगे सर, एक से सौ तक कितना, पंद्रह और दस कितने होंगे, पच्चीस हो जाएंगे, राइट। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर, 101 से लेकर के 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 101 से लेकर के 200 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या 21 है, हाँ, टोटल अभाज्य संख्या है वो कितनी है, वो आपका 21 है, राइट, वो आपका कितना है, 21 है, वो आपका 21 है, राइट, वो आपका 21 है, राइट। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, राइट, है ना, ये पॉइंट सबको क्लियर है, राइट, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है, आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद सभी को क्लियर हो, मेरा इसको अच्छे से लिख, राइट। उसके बाद देखो, एक दो तीन चार, पांचवा पॉइंट देखो, राइट, अगर एक डिजिट की प्राइम नंबर की बात करेंगे, एक डिजिट का, एक अंक का, एक डिजिट का मतलब एक अंक का, तो कितना होगा, तीन पाँच सात, नहीं तीन पाँच सात नहीं, दो तीन पाँच, दो तीन पाँच सात, नहीं नहीं, राइट, नहीं नहीं, दो तीन पाँच सात है, दो तीन पाँच सात, दो तीन पाँच सात एक अंक, एक डिजिट का, राइट, बाकी दो डिजिट का आपका बहुत हो जाएगा, राइट, दो डिजिट का आपका बहुत हो जाएगा, दो डिजिट का, तो आप अगर आपको टू डिजिट्स का पूछे तो क्या बताओगे, टू डिजिट्स का बताओगे, टू कितना है, टू डिजिट्स का, दो, यानी कि आपको 11 से लेकर के 100 के बीच में बताना, राइट, तो चार चला गया इसका मतलब 21 होगा, दैट्स इज द सिंपल पॉइंट। छठा देखो, आपके ये देखो, एक अंक की पहली अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे पहले अभाज्य संख्या दो, दो अंक की पहली अभाज्य संख्या 11, तीन अंक की पहली अभाज्य संख्या 101, चार अंक की पहली अभाज्य संख्या 1009, चार अंक की पहली अभाज्य संख्या 1009, राइट, 1009। इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ के रखिए, अच्छे तरीके से आप फोकस करिए मेरे प्यारे बच्चे, राइट, ओके, राइट। जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आज के इस क्लास में मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे जितने फ्यूचर आईएएस ऑफिसर हैं, राइट, थोड़ा सा मुझे आज आप ध्यान में रखिएगा, राइट, है ना। एक और पॉइंट बता रखो, अगर कोई भी अभाज्य संख्या, अगर कोई भी अभाज्य संख्या, मान लो पी, पी की वैल्यू तीन से बड़ी है, पी की वैल्यू अगर तीन से बड़ी है तो पी स्क्वायर माइनस वन जो है 12 से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट, ध्यान रखिए। आठवां पॉइंट और बता रहा हूँ, देखो, जैसे मान लो कोई भी प्राइम, एक दो तीन, तीन प्राइम नंबर है, और तीनों प्राइम नंबर का जो सम है ये सम संख्या दिया हुआ है, कितना दिया, सम संख्या, तो कोई भी एक प्राइम नंबर दो होगा, कोई भी एक प्राइम नंबर दो होगा, कोई भी एक प्राइम नंबर दो होगा, जैसे मान लो एक दो तीन चार पाँच, पाँच आइटम है, इसका सम जो है ना, सम संख्या दिया हुआ है,
सम संख्या दिया है, इसमें से कोई भी एक प्राइम नंबर दो होगा, कोई भी एक प्राइम नंबर दो होगा, ये ध्यान रखना है, कोई भी एक अभाज्य संख्या। मुझे पता है आज मैंने आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे माफ़ करना माय डियर फ्रेंड, राइट, थोड़ा सा उसी को लेकर के मुझे जाना है, राइट, जितना मैंने कहा आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, राइट, है ना, बाकी किसी भी बच्चों को अनअकैडमी पे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने का प्लान है, राइट, प्लीज़ यूज माई रेफरल कोड SKS10 और यू कैन ज्वाइन देयर, राइट, ताकि आपको मिलेगा एक रियल अप्रोच, राइट, CSAT नहीं, आपको GS में भी मिलेगा, राइट, अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेटली विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू पर्सनली, मेंटरशिप डायरेक्टली, आप मेरे साथ पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा। सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें, राइट, इतना प्यार देने के लिए, राइट, कल से मैं UPFO के भी सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, लेट्स क्रैक इट एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।